आई न्यूज, मैं हूँ आपकी होस्ट नैन्सी। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज आप सभी के फेवरेट प्रोग्राम बॉलीवुड बस में। भाई जानते हैं आप कि हम जब भी ये प्रोग्राम लेकर आते हैं, हम आपको सितारों के बस के बारे में बताते हैं कि आखिरकार कौन कौन से सितारों ने बस को क्रिएट किया हुआ है। बता दें आपको कि आज हम आपको ऐसी रिपोर्ट दिखाएंगे जिसमें ऐसी खबरें होंगी जिसे देखकर यकीनन आप चौंक जाएंगे। आप सभी के भाईजान सलमान खान, जिसको आप बेहद ज्यादा प्यार करते हैं, सलमान खान अक्सर ही खबरों में छाए रहते हैं। उनके फैंस की दीवानगी का आलम तभी ही देखने को मिलता है जब सलमान खान सड़क पर उतरते हैं। उनके फैंस पीछे उनके दौड़े चले जाते हैं एक उनकी झलक को देखने के लिए। मगर अगर हम आपको ये बात कहें कि सलमान खान अपने फैंस को ही बेवकूफ बना रहे हैं, जी हाँ, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आप इस रिपोर्ट में देखेंगे कि किस तरह से सलमान खान ने अपने फैंस को ही अपनी कितनी फिल्मों में बेवकूफ बनाया है। दरअसल हाल ही में उनकी फिल्म रेस 3 रिलीज हुई है जो बॉक्स ऑफिस पर काफी धमाल मचा रही है, काफी अच्छा कलेक्शन भी उस फिल्म में किया है। मगर हम आपको बताएंगे किस तरह से सलमान खान आप सभी को बेवकूफ बनाते नजर आ रहे हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। बॉलीवुड फिल्म एक्शन ड्रामा लव स्टोरी और सॉन्ग से भरा होता है। इन सब के साथ साथ फिल्मों में लोकेशन का भी खास ध्यान रखा जाता है, क्योंकि फिल्म में लीड एक्ट्रेस का बैकग्राउंड सीन खूबसूरत होता तो जरूर है, जो कि दर्शकों को वास्तविकता का आभास करवाता है। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में बताएंगे जिसमें नकली लोकेशन को दिखाया गया, जहां फैंस का बेवकूफ बनाया गया और फैंस ये मान बैठे कि सही में उनके सितारे वहां पहुंच चुके हैं। जी हां, शुरुआत करते हैं अपने इस प्रोग्राम की। आपको बता दें, सबसे पहले यहां पर जिक्र करेंगे सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान। सल्लू के फैंस जो काफी तादाद में सलमान खान को पसंद करते हैं, सलमान खान के फैंस जो हैं सलमान खान को देखना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। तमाम तरह की जो उनके फैंस की दीवानगी है हर किसी की अलग अलग है। जब भी सलमान खान की फिल्म आती है तो वो मानो अपने आप ही सुपर डुपर हिट हो जाती है। तो वहीं बता दें आपको सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान के बारे में। इस फिल्म ने पाकिस्तान के सेट को बुक कराया जाना था, लेकिन मोशन पिक्चर में कश्मीर में फिल्म को शूट किया गया। बता दें कि मोशन पिक्चर को पाकिस्तान से मंजूरी नहीं मिल पाई थी। फिल्म के आखिरी सीन को पाकिस्तान के बजाय सोमनगर के राजवर गैलेशियस में फिल्माया गया, जहां पे दर्शकों को लगा कि सलमान खान मुन्नी को छोड़ने के लिए पाकिस्तान चले गए, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। जी हाँ, अगर बात करें अगले हीरो की, अनुराग कश्यप की जबरदस्त फ्लॉप फिल्म बॉम्बे वेलवेट की लोकेशन को लेकर दर्शकों को भी धोखा दिया गया। फिल्म में किसी आइसलैंड पर श्रीलंका की फेक लोकेशन को दिखाया गया, जहाँ पर दर्शक ये समझते रहे कि ये कोई आइसलैंड है, मगर ये एक बस फेक लोकेशन की बनाई गई। दोबारा बात करते हैं बॉलीवुड के बुलबुल दबंग सलमान खान की, जो काफी ज्यादा फिल्मों में फैंस को बेवकूफ बनाते नजर आ रहे हैं। सलमान की टाइगर फिल्म दबंग उत्तर प्रदेश के लालगंज में शूट की जानी थी, क्योंकि फिल्म यूपी के ही पुलिस सिस्टम पर आधारित थी। लेकिन फिल्म के जबरदस्त सीन पुणे के नजदीक पहाड़ों में फिल्माए गए। डायरेक्टर कबीर खान की फिल्म फैंटम भले ही ना चली हो, लेकिन इस फिल्म में भी डुप्लीकेट लोकेशन का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि फिल्म को पाकिस्तान की तरफ से फिल्माया जाना था, मगर वहां से मंजूरी नहीं मिली, लेकिन फिल्म के सीन पंजाब में ही फिर फिल्माए गए। अब बात करते हैं अगली फिल्म की। फिल्म फना ने बॉक्स ऑफिस पर आग लगा रखी थी। फिल्म में आमिर खान और काजोल की जोड़ी को पहली बार देखा गया। बता दें कि इंटरवल के बाद फिल्म को कश्मीर में
फिल्माया जाना था, लेकिन पोलैंड में कश्मीर जैसी लोकेशन बनाकर दर्शकों को कश्मीर के नकली दर्शन जरूर फिल्म के प्रोड्यूसर और मेकर ने करवा दिए। बात करें अगर ही मोशन पिक्चर ये जवानी है दीवानी के सीन्स की, सभी मनाली में बाइक ट्रैक की चोटी तक पहुंचने की जुगात में होते हैं, लेकिन यह सीन गुलमार्ग में फिल्माया गया और प्रोड्यूसर्स ने फिल्म को गुलमार्ग में ही मनाली बना लिया गया। दरअसल कुछ ऐसी फिल्में हैं जहां फैंस को बेवकूफ बनाया गया। बायोपिक फिल्म मैरी कॉम में प्रियंका चोपड़ा ने काबिल तरीके से काम किया, लेकिन आपको बता दें फिल्म मनाली में शूट की जानी थी, लेकिन परेशानियों की वजह से इस फिल्म को हिमाचल प्रदेश में ही शूट किया गया। जी हाँ, बात करें अगर अगली फिल्म की, मतलब दर्शकों को मेकर्स किस तरह से बेवकूफ बनाते हैं, किस तरह से उनके साथ धोखा करते हैं, ये हम आज आपको प्रोग्राम में बता रहे हैं। बता रहे हैं अगर दर्शकों को सबसे बड़ा धोखा यहाँ दिया गया फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में। कहा गया कि साउथ की लोकेशन दिखाई गई है और वो सब डुप्लीकेट थी, क्योंकि फिल्म की शूटिंग चेन्नई में नहीं बल्कि पुणे में रखी गई थी। जी हाँ, जो अपने आप में काफी ज्यादा ही चौंकाने वाली है और कहीं ना कहीं फैंस को भी है जो इन सब से धोखा हुआ। इन सब को फैंस और मेकर्स ने धोखा भी दिया है। ये कुछ ऐसी फिल्में हैं जो काफी ज्यादा फैंस को पसंद तो आई मगर फैंस के साथ काफी ज्यादा धोखा भी हुआ। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। So, well, finally जान लिया आपने, हमने आपको आप सभी के फेवरेट प्रोग्राम बॉलीवुड बज में आज कुछ ऐसे सितारों के बारे में दिखाया। कहीं ना कहीं सलमान खान के बारे में भी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से सलमान खान जो है अपने ही फैंस को बेवकूफ बना रहे हैं। फैंस की ताकत और फैंस की फैन फॉलोइंग के कारण ही ये सितारे चलते हैं। जो सितारे आसमान पे चढ़ जाते हैं उन्हें भी फैंस ही चढ़ाते हैं, जो सितारे जमीन पे आ जाते हैं उन्हें भी फैंस ही जमीन पर लेकर आते हैं। आपने देखा किस तरह से सलमान खान अपने फैंस को बेवकूफ बना रहे हैं। आपको बता दें दरअसल सलमान खान की कुछ ऐसी फिल्में आई हैं जिसमें कुछ ऐसे लोकेशंस दिखाए गए हैं जहां पर फैंस को लगता रहा है कि सलमान खान उन्हीं लोकेशंस में जाकर शूट करते हैं। दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है। सलमान खान की तमाम फिल्मों के बारे में हमने आपको बताया जहां पर उस सेट को लगाया जाता है। सलमान खान की फिल्म अगर बजरंगी भाईजान की बात की जाए तो सभी को ये लगा कि सलमान खान जो है वो कश्मीर गए थे जहां पर उन्होंने मुन्नी के घर वालों से उसको मिलाया। तमाम तरह की लोकेशंस उसमें दिखाई गई मगर आपको बता दें वो लोकेशन सलमान खान कहीं नहीं गए थे। सलमान खान के लिए उनमें से कुछ लोकेशंस को बनाया गया था जिससे कहीं ना कहीं सलमान खान और फिल्म के मेकर और प्रोड्यूसर जो हैं वो फैंस को बेवकूफ बना रहे हैं। मगर हमने आपको बता दिया है कि कौन कौन सी ऐसी फिल्में हैं जिसको सोचकर देखकर आप ये ना सोचें कि कहीं सही में सलमान खान पाकिस्तान चले गए हैं या फिर सलमान खान जो हैं वो कश्मीर में हैं। आपने देखा कि ऐसी कौन सी फिल्में थी जिसके सेट को तैयार किया जाता है, कहीं ना कहीं फैंस को भी इन फिल्मों के थ्रू बेवकूफ बनाया जाता है। ऐसा हम नहीं, खुद सलमान खान कर रहे हैं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय। Start your career with us.